गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग मीटर चैप्टर्स के डिफरेंस के बारे में देखें कि अलग अलग प्रकार के मीटर जो हम लोग यूज करते हैं, उस मीटर को किस जगह यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन सा बल्ब कार्य करता है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस चैप्टर से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मूविंग क्वाइल मीटर, एमसी टाइप मीटर। एमसी टाइप मीटर का यूज हम लोग किस जगह करते हैं, तो करंट और वोल्टेज मापने के लिए। एमसी टाइप मीटर में डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है, जिसके कारण मीटर का नीडल आगे बढ़ता है, वह किसके कारण होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हम लोग का आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग टॉर्क। जैसा कि आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग मीटर से सप्लाई हटाते हैं तो पॉइंटर को शून्य पर आना चाहिए, तो इस मीटर में, एमसी टाइप मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का मतलब तो आप समझते ही हैं कि अगर ये टॉर्क नहीं रहेगा तो पॉइंटर जो है स्केल पर हमेशा कंपित होते रहता है, हिलते रहता है, जिससे हमको उसका मान ज्ञात करने में काफी असुविधा होता है। तो मूविंग क्वाइल मीटर में डैम्पिंग को रोकने के लिए हम लोग एडी करंट का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इसका काफी ज्यादा होता है। इसका स्केल जो हम लोग यूज करते हैं वो यूनिफॉर्म मेथड में होता है, अर्थात यूनिफॉर्म मेथड कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हम लोग स्केल यूज करते हैं वह एक समान रूप से डिवाइडेड होता है। यह मीटर काफी कॉस्टली होता है और इस मीटर का उपयोग केवल डीसी मापने के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा जो मीटर है उस मीटर को कहते हैं मूविंग आयरन मीटर। इसको एमआई टाइप मीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज हम लोग करंट और वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नेटिक इफेक्ट से प्राप्त करते हैं तथा कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग या ग्रेविटी के द्वारा प्राप्त करते हैं। डैम्पिंग फोर्स जो है इसमें एयर फ्रिक्शन के कारण हम लोग प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इस मीटर का हाई होता है और स्केल जो हम लोग इस मीटर में यूज करते हैं वो क्रैम्प प्रकार का होता है। यह मीटर सस्ता होता है और इस मीटर की सहायता से एसी और डीसी दोनों सप्लाई को हम लोग माप सकते हैं। तीसरा जो मीटर है हम लोग का, उसको कहते हैं डायनेमो टाइप मीटर। डायनेमो मीटर जो है उसका यूज हम लोग करंट, वोल्टेज और पावर, ये तीनों मापने के लिए करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्राप्त होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग या ग्रेविटी के कारण प्राप्त होता है, डैम्पिंग टॉर्क जो है, डैम्पिंग फोर्स जो है वो एडी करंट के कारण हम लोग प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इस मीटर का हाई होता है और इस मीटर का जो स्केल है कोडेड यूनिफॉर्म स्केल होता है वाट मीटर में। यह कॉस्टली होता है, इसके द्वारा डीसी और इस दोनों राशि को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मीटर इंपॉर्टेंट मीटर है उसको हम लोग कहते हैं हॉट वायर मीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग करंट और वोल्टेज मापते हैं। इसमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स हम लोग हीटिंग इफेक्ट के द्वारा प्राप्त करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा नियंत्रित करते हैं और डैम्पिंग टॉर्क एडी करंट के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, यह क्रैम्प्ड प्रकार का इसका स्केल होता है, यह सस्ता होता है और इससे डीसी तथा एसी दोनों माप को लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो मीटर है उस मीटर को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मीटर। इंडक्शन मीटर का उपयोग हम लोग करंट, वोल्टेज, पावर और एनर्जी, जो घर में हम लोग
विद्युत सप्लाई जो हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी आता है जो मेन मीटर एनर्जी मीटर लगा रहता है जिससे हम लोग को यूनिट ज्ञात होता है उसमें इसका उपयोग हम लोग करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के रूप में इसमें इंडक्शन इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में स्प्रिंग कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। डैम्पिंग के लिए एडी करंट का उपयोग किया जाता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी हाई होता है तथा इसमें स्केल जो हम प्रयोग करते हैं वो क्रैम्प प्रकार का ही प्रयोग करते हैं। यह मीटर एसी के लिए स्पेशली होता है, डीसी पर यह कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट जो मीटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीटर, इसका यूज हम लोग करंट, वोल्टेज और पावर मापने के लिए करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट के द्वारा प्राप्त करते हैं। नियंत्रण बल कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग स्प्रिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं और डैम्पिंग टॉर्क जो है इसमें वो फ्लूइड फ्रैक्शन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह स्टार्टिंग टॉर्क इसका काफी लो होता है अर्थात काफी कम होता है, स्केल क्राउडेड प्रकार का होता है और इस मीटर का उपयोग भी हम लोग केवल एसी के रूप में करते हैं। आज का ये टॉपिक आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसे ध्यान पूर्वक देखें जिससे आपको एग्जाम में निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन तो जरूर आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।